अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन लिंक्विन गॉर्ज। गॉर्ज कहते हैं एक घाटी को, तो ये एक घाटी का नाम है लिंक्विन। हमें उस बारे में बताएंगे कि लिंक्विन की जो घाटी है, और एक और नाम भी लिखा हुआ है इसके साथ, अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, कि एक इंसान को अपनी जो काम वाली जगह है, जो ड्यूटी वाली जगह है, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। रिटन बाय टुपेंग चेंग। तो फ्रेंड्स, ये एक चाइनीज़ लेसन है, इसलिए इसके राइटर भी एक चाइनीज़ है, और इसे चाइनीज़ लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट वन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना लेसन हम स्टार्ट करते हैं। दिस नो ऑलरेडी मोर देन हाफ अ फुट डीप, कि पहले ही आधे फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी थी। ऑब्लिट्रेटेड द लाइन, ऑब्लिट्रेटेड होता है ख़त्म कर देना, द लाइन बिटवीन अर्थ एंड स्काई, कि वो जो लाइन होती है ना उफक की, जिसे हम लकीर कहते हैं, ज़मीन और आसमान के जो दरमियान है, बिहाइंड अ हेजी वाइट कर्टन, वो एक सफ़ेद धुंध के पर्दे में छुप चुकी थी, मतलब वो लकीर भी नज़र नहीं आ रही थी। आई हैड बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ द फ्यूचर रेलवे फॉर 40 किलोमीटर्स, कहते हैं कि मैं आई हैव फॉलोइंग द पाथ, कि मैं रास्ता तय कर चुका था फ्यूचर रेलवे, जो कि मुस्तकबिल की रेलवे का, रेलवे कह लें पटरी का जो रास्ता था, फॉर 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर तक। आल दो अगरचे आई कुड हीयर द रोर ऑफ मशीनरी, कि मैं अभी भी सुन सकता था, रोर कहते हैं चिंगाड़ को, शोर को, कि मशीनों के चलने का जो शोर है वो मैं सुन सकता था। फर्दर बैक इन द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे से वो जो शोर है वो आ रहा था। आई हैड सीन नाइदर वर्क साइट्स, कहते हैं कि ना ही तो मुझे कोई वर्क साइट, कहते हैं काम वाली जगह को, कि काम की कोई जगह नज़र आई, नोर वर्कर्स, और ना ही मुझे कोई मज़दूर नज़र आया वहाँ पर, लेकिन सिर्फ क्या था कि मशीनों की आवाज़ आ रही थी। एंट्रिंग लिंक्विन गॉर्ज, कहते हैं कि लिंक्विन जो घाटी है उसमें दाखिल होकर माई इरीटेशन इंक्रीज्ड, इरीटेशन कहते हैं परेशानी को, कहते हैं कि मेरी परेशानी में ना और ज़्यादा इजाफा हो गया। इवन इन क्लियर वेदर, यहाँ तक कि जो क्लियर वेदर होता है यानी कि साफ मौसम में भी, इन दिस गॉर्ज दिस सन नेवर शोन, इस घाटी में साफ मौसम में भी सूरज कभी नहीं चमकता। इट डिड नॉट मैटर वेयर यू लुक्ड अप अलोंग द ट्विस्टिंग कोर्स, कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन जो ट्विस्टिंग कोर्स हैं, ये जो घेराव वाले रास्ते हैं, इनमें से आप किसी भी जगह से ऊपर देखते हैं, आप किसी भी जगह से ऊपर देख लें तो आपको क्या नज़र आएगा, द मोस्ट यू कुड सी, आप सिर्फ देख सकेंगे, ऑफ द स्काई वॉज अ पैच, आसमान का एक पैच, कहते हैं टुकड़े को, आसमान का एक टुकड़ा, और वो टुकड़ा कितना है, नो बिगर देन द पाम ऑफ योर हैंड, पाम कहते हैं हथेली को, कि आपकी हथेली के जितना वो आपको जो टुकड़ा है ना आसमान का, सिर्फ उतना सा ही नज़र आता है, आप जिस भी जगह से ऊपर देख लें, मतलब इस जो गॉर्ज है ये घाटी में सूरज नहीं चमकता, हर वक्त ये बादलों से घिरी रहती है, अगर बादल नहीं भी होंगे तो भी आपको आसमान का थोड़ा सा टुकड़ा नज़र आएगा। नाउ इट वॉज डस्क, डस्क कहते हैं जो शाम की रोशनी होती है ना, कहते हैं अब तो फिर शाम की रोशनी हो चुकी थी। एंड द स्विर्लिंग स्नो फ्लेक्स, स्विर्लिंग कहते हैं घूमने वाले स्नो फ्लेक्स, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, मतलब घूम घूम के गिर रहे थे इधर उधर। एंड द गेल, गेल कहते हैं आंधी को, तूफान को, मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल, कहते हैं कि अब शाम का जो है अंधेरा भी फैल चुका था, और इसके साथ साथ बर्फ़ के जो गिरते लहराते जो छोटे टुकड़े थे, और साथ साथ जो गेल है, तूफ़ान या आंधी है, उसने हर कदम को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। कंस्ट्रक्शन इन द गॉर्ज वॉज वेरी बिजी, घाटी में वो कहते हैं कि जो तामीराती काम है ना वो बहुत तेज़ी से जारी था। Everywhere people were at work, हर तरफ लोग जो हैं काम में लगे हुए थे, generators, cement mixtures, air compressors shook the grounds, कहते हैं कि जो generator हैं, cement mix करने वाली जो मशीनें हैं, इसके अलावा air compressor हैं, shook the ground, वो ज़मीन को हिला रहे थे। Hundreds of light bulbs gleamed dim and yellow, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो लाइट बल्ब, बिजली के जो बल्ब लगे हुए थे, ग्लीम्ड, वो मध्यम मध्यम थे, डिम एंड येलो, मध्यम उनकी रोशनी थी और पीले रंग की थी। इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की जो तारें हैं,
क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ जेंट, वो एक जिन की तरह क्रिस क्रॉसिंग मतलब यहाँ से वहाँ इधर उधर फैली हुई थी। स्पाइडर वेब, जिस तरह से मकड़ी का जाल होता है ना, कुछ आपने देखा होगा स्पाइडर वेब मकड़ी का जाला, तो उस तरह से वो कह रही हैं इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो क्रिस क्रॉसिंग थी, हर जगह फैली हुई थी। वर स्कार्सली आई विजिबल, तो बामुश्किल ही उसमें से कुछ देख सकते थे हम उन तारों में से। बट आई कुड सी दी ओवर हेड केबल्स, कहते लेकिन मैं देख सकता था ओवर हेड के मेरे जो सर के ऊपर क्या था, केबल्स। केबल्स कहते हैं जो गाड़ियां होती हैं रस्सी पे जो चलती हैं। एंड देयर पुली, पुली कहते हैं उनकी जो चरखियां लगी होती हैं ना ऊपर रस्सी पे बांध के, छोटा सा उस पे केबल लगा देते हैं, मतलब स्क्वेयर सा जिसके अंदर सामान उठा के ले जाते हैं। कहते हैं मुझे वो केबल्स और उनकी पुली जो चरखियां हैं वो मैं देख सकता था। पुली कार्स स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ होता है आगे और पीछे की तरफ जाना। कहते हैं मैं उन केबल्स को देख सकता था कि वो चरखी के ऊपर जा रही हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ, लोडेड विद मटेरियल्स और वो साजो सामान से जो हैं वो भरी हुई हैं। हंगरी कोल्ड, अब वो अपने बारे में हमें बता रहे हैं कि भूखा हूँ और कोल्ड, मुझे सर्दी भी लग रही है। आई ट्रिप्ड एंड फेल, ट्रिप्ड होता है ठोकर लगना। कहते हैं मुझे, मैंने ठोकर खाई और गिर पड़ा। स्क्रैपिंग माई हैंड्स इनफ, स्क्रैपिंग होता है रगड़ना। कहते हैं अपने हाथों को मैंने ज़ोर ज़ोर से रगड़ा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना। आई हैड फाइंड सम प्लेस अंडर अ क्लिफ, एक चट्टान के नीचे मुझे थोड़ी सी जगह नज़र आई। आउट ऑफ द वाइंड, ताकि मैं हवा से बच सकूं। एंड रेस्ट अ फ्यू आवर्स, और चंद घंटों तक मैं आराम कर सकूं। इफ़ आई रीच्ड द मटेरियल डिपोट टुमारो मॉर्निंग, कहते हैं कि जो मटेरियल डिपोट यानी कि मटेरियल का जो साजो सामान का जो गोदाम है उसमें मैं अगर कल आने वाली सुबह तक पहुँच जाऊँ बाई 10, यानी कि कल सुबह 10 बजे तक भी पहुंच जाऊं, बाई 10 o'clock देयर स्टिल वुड नॉट बी टू लेट, तो फिर भी ये बहुत ताखेर या देर ना होगी। मतलब इन्होंने पहुंचना है अपने साजो सामान के गोदाम तक, तो अब मौसम बहुत ख़राब है, कह रहे हैं कि मैं यहाँ रेस्ट कर लेता हूं और कल सुबह 10 तक भी पहुंच जाऊं तो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं होगी। Stumbling around in the dark like this, stumbling होता है ठोकर लगना ना, अभी वो कह रहे हैं stumbling around in the dark के अंधेरे में ठोकर लगे, like this क्योंकि यहाँ अभी लगी है ना ठोकर, कहते हैं जिस तरह से मुझे अभी लगी है। I was liable to fall into some deep ravine and that would be the end of the materials department chief, कहते हैं it was liable, तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है, to fall into some deep ravine कि मैं किसी बहुत ही गहरी घाटी में गिर जाऊं, एंड दैट वुड बी द एंड, और ये मेरा इख्तिताम होगा। किसका इख्तिताम होगा, अब यहाँ पर वो अपना तारुफ करा रहे हैं मटेरियल्स डिपार्टमेंट चीफ के, सामान के गोदाम का जो सरबरा है उसका यहाँ पर इख्तिताम होगा। आई हैड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप लिस्ट, कहते हैं कि मुझे जो है पुटअप डाल दिया जाएगा, यूज्ड अप लिस्ट इस्तेमाल शुदा जो अशिया होती हैं उनकी फहरिस्त होती है उसमें डाल दिया। I noticed a path leading to a cave in the cliff side, कहते हैं कि मैंने एक जो है ना notice a path, एक रास्ता मुझे नज़र आया leading to a cave जो एक गार तक जाता था in the cliff side, यही जो पहाड़ी रास्ता है ना उनके तरफ पे। A door curtain hanging in the entrance way, डोर कर्टन के दरवाजे पर जो है पर्दा लटका हुआ था, हैंगिंग लटकना, इन दी एंट्रेंस वे दाखिल होने के रास्ते पर। शोर्ट डेट, जिससे ये जाहिर होता था दी केव वाज अनडाउटेडली ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स, के वो जो केव है गार है वो किसी जो कारकुन है वहाँ के वर्कर्स मजदूर हैं उनके इस्तेमाल में है। ग्रास्पिंग ब्रांचेस, कहते हैं कि वहाँ पर जो दरख्तों की शाखें थी उनको पकड़ते हुए, अलोंग दी स्टीप पाथ, ये जो ढलानी रास्ता है मैं उस पर चलता रहा। आई होल्ड माई सेल्फ अप टू द डोर एंड एंटर्ड, कहते हैं मैंने खुद को पकड़ते पकड़ते दरवाजे तक पहुँचा दिया, एंड एंटर्ड, और मैं उस गार में दाखिल हो गया। स्ट्रेंज, बहुत ही कहते हैं अजीब। सीटेड ऑन अ स्मॉल स्टूल,
एक छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ था। इंडीड डोर्स वे दरवाजे वाले ही रास्ते में वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, 7 or 8 years old, 7 या 8 साल का था। एल्बोज ऑन हिज नीज, उसने जो अपनी कोहनियाँ हैं नीस अपने घुटनों पर रखी हुई थी। स्पोर्टिंग हिज फेस इन हिज हैंड, और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा जो है वो थामा हुआ था। अब ये गार में एंटर हो गया ना, तो उसका बता रहे कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था और इस स्टाइल में बैठा हुआ था। हिज चीक्स वर रेड विद कोल्ड, उसके जो गाल हैं वो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहे थे। ही हैड बीन पीरिंग एट द ऑपोजिट क्लिफ साइड थ्रू अ रेंट इन द कर्टन, वो क्या कर रहा था, वो झांक रहा था ऑपोजिट क्लिफ, जो उनके मुतजाद जो चट्टान थी, मतलब सामने जो चट्टान थी उसकी तरफ देख रहा था। और कहाँ से देख रहा था, थ्रू अ रेंट, एक छोटे से सुराख इन द कर्टन, उस पर्दे में सुराख था और उस सुराख से वो दूसरी तरफ देख रहा था। ही ग्लैंस्ड एट मी, उसने ही ग्लैंस्ड एट मी ब्रीफली, उसने मुख्तसरन मेरी तरफ़ देखा, यानी कि थोड़ा सा जो है, मतलब सरसरी जिसको हम कहते हैं ना, उसने सरसरी सा मुझे देखा। एस आई केम इन, जब मैं अंदर दाखिल हुआ। देन वेंट बैक टू हिज ऑब्जर्वेशन, फिर वो दोबारा से अपने मुशाहिदात में खो गया, मतलब वहाँ बैठा वो देख रहा था ना सामने वाली चट्टान को, तो दोबारा से वैसे देखने लग गया। The cave was large but quite warm, कहते हैं कि गार जो है वो बहुत लंबी थी, वसी थी, लेकिन बहुत गर्म भी थी। It had a stove and eating utensils, कहते हैं कि यहाँ पर एक चूल्हा था और खाने के बर्तन भी पड़े हुए थे। On the wall above a bed, वो जो उनका जहाँ बिस्तर लगा हुआ था उसके बेड के ऊपर जो है दीवार पर, was a colored New Year picture, नए साल की एक बहुत ही रंगीन सी जो है तस्वीर थी। ऑफ, जिस तस्वीर में क्या था, चबी चिल्ड्रेन पुलिंग दी टर्निप, एक चबी कहते हैं हेल्दी गोल मटोल सा ना बच्चा, क्या कर रहा था, पुलिंग खींच रहा था टर्निप शलजम को, मतलब शलजम खींच रहा था वो बच्चा, इस तरह की ना बड़ी कलरफुल सी पिक्चर लगाई हुई थी। ऑल दी वॉल्स हैड बीन पेपर्ड विद ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तमाम दीवारें जो हैं उन्हें क्या किया गया था, पुराने अखबार से ढाम दिया गया था। नाउ ब्लैकेंड बाई स्मोक फ्रॉम द स्टव, और अब वो जो अखबार हैं वो ब्लैकेंड स्याह हो गए थे, किस वजह से, स्मोक फ्रॉम द स्टव, क्योंकि चूल्हे से जो धुआं उठता था उस धुएँ की वजह से वो अखबार अब स्याह पड़ चुके थे। वाई इज नॉट एनीबॉडी होम, क्या कोई घर पर नहीं है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शेकिंग द स्नो फ्रॉम माई कोट एंड हैट, कहते हैं कि अपने कोट और हैट पे से ना बर्फ़ झाड़ते हुए मैंने उस बच्चे से सवाल किया, क्या घर पर कोई नहीं है। द लिटिल बॉय टर्नड हिज हेड, अब छोटा बच्चा जो है उसने अपना सर घुमाया। हिज आईज फ्लैश्ड, उसकी आँखें जो है ना एकदम चमक उठी, चमक आ गई। आर नोट आई एनी बॉडी अंकल, अंकल क्या मैं कोई नहीं हूँ। ही रोज, वो खड़ा हुआ, एंड वॉक्ड टुवर्ड मी, और मेरी तरफ चल कर आया। हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ जो है उसकी पीछे मतलब पीठ की तरफ थे। हिज चेस्ट एक्सटेंडेड, उसका सीना जो है ना वो बाहर को निकला हुआ था। एस इफ टू से, जैसे कि वो मुझसे कहना चाह रहा हो, यानी कि वो उसके सामने आकर ना सीना तान कर खड़ा हो गया है और ये कहना चाह रहा था, नॉट ओनली एम आई समबॉडी, कि क्या मैं कोई शख्स नहीं हूँ, आई एम अ वेरी ग्रोन अप समबॉडी, कि बल्कि मैं तो एक बड़ा नौजवान शख्स हूँ। I cupped his round little face in my hands, कहते कि मैंने उसका जो चेहरा है ना कप्ड, के हाथों का प्याला बनाकर, मीन्स अपने दोनों हाथों में ना उसके नन्हे चेहरे को पकड़ा। You are pretty sharp, तुम बहुत तेज़ हो। Young imp, यानी कि और नन्हे से शरारती बच्चे भी हो। He pushed my hands aside, उसने मेरे जो हाथ है ना वो एक साइड पर झटक दिए। Doubling up his fist, और उसने क्या किया, अपनी मुट्ठियों को हाथों को बंद करके ज़ोर से उसने मुट्ठियाँ बनाई। He cocked his head, और उसने अपना जो सर है ना वो भी एक तरफ उसने मोड़ कर कहा, to one side एक तरफ, and demanded, और उसने मुझसे ये कहा, Who are you calling imp, कि तुम कौन होते हो मुझे शरारती कहने वाले। I have a name, कहता है मेरा एक नाम है। Pointing at the baby girl, उसने एक छोटी बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा, asleep on the bed, जो कि बिस्तर पर सो रही थी। He informed me, उसने मुझे बताया।
ही नेम इज़ पाउचेंग, माइन इज़ चेंगयू। यहाँ पर शी होगा या ही नहीं, हर होगा। हर नेम इज़ पाउचेंग, क्योंकि वो बच्ची है ना, कि उसका नाम जो है वो पाउचेंग है, और माइन इज़ चेंगयू, और मेरा नाम जो है चेंगयू है। नो डाउट अबाउट इट, कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं। दीज किड्स वर लाइक थाउजेंड ऑफ अदर्स, ये बच्चे भी उन्हीं हज़ारों दूसरे बच्चों की तरह थे। आई हैड मेट, जिनसे मैं मिल चुका था। बोर्न एंड राइजेस ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, के जो कि अपनी जो तामीराती काम है उसी मकाम पर पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। द वर्कर्स लाइक्ड टू नेम देयर चिल्ड्रन, वो जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो पसंद करते थे कि वो अपने बच्चों के नाम रखें आफ्टर द प्रोजेक्ट वेयर देवर बोर्न, उसी प्रोजेक्ट पे रखते हैं जहाँ पर वो पैदा हुए हैं। चेंगयू प्रोबेबली हैड फर्स्ट सीन द लाइट ऑफ द डे ऑन द रेलवे प्रोजेक्ट बिटवीन चेंगटू एंड चेंगकिंग। अब वो कहते हैं ये जो चेंगयू बच्चा है, प्रोबेबली शायद इसने भी हैड सीन द लाइट ऑफ द डे, इसने भी अपनी जो दिन की रोशनी है, यानी कि इसने अपनी ज़िंदगी का जो पहला दिन है वो देखा ऑन द रेलवे प्रोजेक्ट। एक रेलवे का प्रोजेक्ट था जो किसके दरमियान था, चेंगटू और चेंगकिंग के दरमियान था। आल्सो नाउन एस यू, और कहते हैं जिसे हम यू के नाम से भी जानते हैं। वो कहता है कि लगता है ये बच्चा वहाँ पर ही पैदा हुआ है, इस वजह से इसके वालिदैन ने इसका नाम चेंगयू रख दिया है। हिज बेबी सिस्टर, और उसकी अब जो ये बहन है पाउचेंग, जिसका नाम पाउचेंग था, वेरी लाइकली हैड बीन बोर्न राइट हीयर, कहते हैं मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ही इसी मकाम पर पैदा हुई थी। एट द साइट ऑफ द फ्यूचर पाउकी चेंग टू रेलवे, कि जिसको हम मुस्तकबिल का जो रेलवे स्टेशन जिसका नाम पाउकी चेंग टू रेलवे है या पटरी है, यहाँ पर पैदा हुई है, इसलिए उसके वालदैन ने उसका नाम पाउचेंग रख दिया है। आई सेट बाई द स्टव, कहते हैं कि मैं चूल्हे के साथ ही बैठ गया, स्मोकिंग सिगरेट पीने लग गया, एंड रबलिंग द ड्राइंग मट फ्रॉम माई हैंड्स, और कहते हैं कि मेरे हाथों पर जो ड्राइंग मट जो लग गया था, जो खुश्क सा कीचड़ लग गया था ना ऊपर आते हुए क्लिफ पर चढ़ते हुए, उसे मैं साथ साथ झाड़ रहा था। चेंगयू क्रॉल्ड ऑन टू माई लैप, चेंगयू जो बच्चा है क्रॉल्ड, वो आया टू माई लैब, मेरी गोद में बैठ गया, एंड लुकड इन टू माई आईज़, और कहता है मेरी आँखों में देखा उसने और पूछा, इज़ इट गोइंग टू स्नो टूमोरो अंकल, अंकल क्या कल भी बर्फ़बारी होगी। आई प्रेस्ड हिज आई सी रेड लिटल नोज़, कहते हैं कि मैंने उसकी जो छोटी सी जो आई सी के सर्द जो नाक है ना, ठंडा हुआ हुआ था वो भी सर्द, उसकी लाल नाक मैंने अपने हाथ से दबाई। एज सून एज वी गेट आवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अब विद दी हेवन, आई विल आस्क फॉर यू, तो आगे से अब अंकल ने क्या जवाब दिया है कि जूँ ही हमारा जो टेलीफोन से के ज़रिए रब्ता होगा आसमान के साथ, हेवन के साथ, तो मैं तुम्हारे लिए ये बात ज़रूर पूछूँगा। यानी कि उन्होंने मजाक में बच्चे को जवाब दिया है कि अगर मेरा आसमान से रब्ता हुआ फ़ोन के ज़रिए, तो मैं पूछूँगा कि कल बर्फ़बारी होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लेसन का पार्ट वन कम्प्लीट होता है, बाकी पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए।